Hello friends, welcome to my channel All About Biology. So today we will discuss about a very important topic related to pteridophytes, that is Steeler system in pteridophytes. So सबसे पहले देख लेते हैं Steeler system में steel term जो use होता है उसका मतलब क्या है. So steel is basically the central part of root or stem that includes xylem, phloem and pith. So xylem and phloem along with pith bounded by a pericycle is called as steel. Pericycle if present, then it defines the outermost boundary of the steel. So steel simply एक term है जो दिया गया है कुछ layers को जो कि root और stem में present होते हैं. Steel में क्या क्या आता है? Xylem, phloem, पिथ अगर प्रेजेंट है तो, और इन जाइलम फ्लोएम और पिथ को आउटर मोस्ट लेयर सराउंड कर रहा है वो कौन सा लेयर है? पेरीसाइकिल. सो जाइलम फ्लोएम पिथ सराउंडेड बाय पेरीसाइकिल इज कॉल्ड एज स्टील. देन देर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म विच वॉज कॉल्ड एज द स्टीलर थ्योरी. सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हु प्रपोज द स्टीलर थ्योरी, इन विच ईयर स्टीलर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड. सो स्टीलर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय वैन टीघम एंड डोलियोट इन 1886. द टू मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर firstly, the steel is the fundamental unit of the vascular system. यानी plants के root और stem में जो vascular system है, vascular system means a system that is capable of supplying water and nutrients to the whole plant body. So vascular system का जो basic functional unit है, base है, वो steel है. दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया था अपनी स्टीलर थ्योरी में वो था द रूट एंड द स्टेम हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. रूट एंड स्टेम हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. रूट और स्टेम का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, और उसमें जो आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे उसमें दो बेसिक लेयर्स होंगे जो कॉमन होंगे स्टेम और रूट में. एक होगा कॉर्टेक्स और एक होगा सेंट्रल सिलेंडर. सेंट्रल सिलेंडर में आपका आता है जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ. एंड इंडोडर्मिस इज द मेन एनाटॉमिकल बाउंड्री बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल सिलेंडर. सो दीज टू वर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द स्टीलर थ्योरी प्रपोज्ड बाय वैन टीघम एंड डोलियोट. सो वैन टीघम और डोलियोट 1886 में उन्होंने स्टीलर थ्योरी प्रपोज की थी. उन्होंने कहा था कि स्टील बेसिक फंक्शनल यूनिट है वस्कुलर सिस्टम की. दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि रूट और स्टेम में दो बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कॉमन है, जो पाए ही जाते हैं, वो है कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर. सेंट्रल सिलेंडर में जाइलम, फ्लोएम, पिथ और पेरिसाइकिल है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में इंडोडर्मिस एक बाउंड्री लेयर है जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप किसी स्टेम या रूट का टीएस कट करते हो तो माइक्रोस्कोप में आपको कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं. उन लेयर्स का सीक्वेंस आप देख लीजिए, ये सब में सेम ही रहता है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कॉमनली एग्जाम्स में टीएस का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है. सो आपको ये लेयर्स के नाम सीक्वेंशियली याद होने चाहिए. सो सबसे पहले हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है स्टेम के केस में. रूट के केस में उसी लेयर को हम इपिब्लेमा भी बोलते हैं जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लेयर इज़ द हाइपोडर्मिस. उसके नीचे हाइपोडर्मिस एक लेयर होती है, ये कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती है. उसके बाद कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स भी आपका बहुत सारी लेयर्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स में भी. उसके बाद आपका आता है इंडोडर्मिस. इंडोडर्मिस इज़ द बाउंड्री लेयर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल सिलेंडर. नेक्स्ट लेयर इज़ द पेरिसाइकिल, दैट इज़ रिगार्डेड एज द बाउंड्री ऑफ द स्टील. एंड नेक्स्ट लेयर इज़ द जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ. पिथ इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. दिस इज़ पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टील. So these are the layers that are basically present within the stem or within the root.
So whenever you cut a transverse section or a longitudinal section of the stem or root, then you are able to see these layers within the microscope. Now, as higher plants usually lack a distinct endodermis and pericycle. As we know that all the plants do not have same kind of external or internal appearance. So, endodermis or pericycle may be present in some cases or they may be absent in most of the cases also. So, Esau, a very famous name, Esau in 1953, Foster and Gifford in 1963 reported that the term vascular cylinder is better than the steel. So, जैसा कि हम जानते हैं कि higher plants के केस में ज़्यादातर pericycle और endodermis प्रेजेंट नहीं होता या एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं दिखेगा कि ये इंडोडर्मिस है या पेरीसाइकिल है. सो इसलिए इसाउ ने, फॉस्टर और गिफर्ड ने ये कहा कि स्टील जो टर्म है उसको रिप्लेस करके हमें वस्कुलर सिलेंडर टर्म यूज़ करना चाहिए हायर प्लांट्स के केस में. उसके बाद अब हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं. द मेन टॉपिक इज दैट द टाइप्स ऑफ स्टील्स इन टेरिडोफाइट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिमिडिट इन 1982 रिकॉग्नाइज्ड टू बेसिक टाइप्स ऑफ स्टील. उन्होंने दो बेसिक टाइप दिए थे स्टील्स के, एक था प्रोटो स्टील, एक था सिफनो स्टील. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये है, प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मेड्यूलेटेड स्टील एंड सिफनो स्टील में पिथ प्रेजेंट होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिथ द स्टील्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू बेसिक कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द प्रोटो स्टील, सेकेंड वन इज द सिफनो स्टील. प्रोटो स्टील इज विदाउट पिथ एंड सिफनो स्टील कंटेन्स अ पिथ. After extensive researches by Esau in 1953 and Smith in 1955, so steels in pteridophytes are classified as these types are there. So types of steel can be basically grouped into a proto steel and a sifno steel. Proto steel, as I have told you earlier, that it is a non-medulated steel, pith is absent. And sifno steel, in the case of sifno steel, pith is present and it is a medulated steel. This is regarded as the more advanced form of the steel. Next, proto steel is of various types. So, it can be a haplosteel, it can be a actinosteel, it can be a plectosteel and it can be a mixed proto steel. So, we will discuss in detail about each of them. So, first of all, the first type of proto steel is the haplosteel. Haplosteel is the basic and very simplest form of proto steel, in which xylem is present in the center part of the steel as a circular core. This xylem is surrounded by a layer of phloem, then we have a layer of pericycle, and then we have a layer of cortex. So this is the general appearance of a haplosteel. Haplosteel के केस में आपको xylem center में core के form में दिखाई देगा. Xylem is surrounded by a phloem. We will have pericycle there, then we have endodermis and cortex. Leaf trace or leaf gap के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि leaf trace क्या है और leaf gap क्या है. सो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी डायग्राम को लेबल करते हैं तो हमेशा सीक्वेंशियली लेबल किया करिए, जैसे बाहर से अंदर की तरफ. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, पहले कॉर्टेक्स आ रहा है इसलिए मैंने पहले कॉर्टेक्स को लेबल किया है, फिर लीफ ट्रेस, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर फ्लोएम और फिर जाइलम. इस सीक्वेंशियली लेबल करने से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती हैं और डायग्राम भी पूरा सिस्टमैटिक रहता है. सो हैप्लोस्टील का अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स है राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटॉन. राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन आर द टू बेसिक फॉसिल टेरिडोफाइट्स.
So these are also asked in objective and very short answer type questions that name some fossil pteridophytes like Rhynia and Horneophyton. And in higher classes like BSc and MSc, you will be able to learn about Rhynia and Horneophyton in detail. Another example of haplosteel is the Selaginella and the Lycopodium. So, haplosteel. Next type is the actinosteel. In the actinosteel, we have a star-shaped xylem. Xylem is present in the center and is in the form of star-shaped. Phloem is present in patches. Example of this actinosteel is the Lycopodium serratum, Psilotum, Astroxylon, which is a fossil pteridophyte. So you have to remember these examples of steel, because in long answer type questions you have to mention these names within the steel. That will fetch you good marks. So Lycopodium serratum, Psilotum, Astroxylon are the examples of actinosteel. So this is a very simplified diagram that I have drawn for you all, that this one is the actinosteel. We were talking about the actinosteel. Actinosteel is such a condition in which the xylem is present in the form of a star-shaped structure and phloem is present around it in the form of patches. Then we have the same condition. We have pericycle, we have endodermis, cortex along with leaf trace. So actinosteel ke case mein kya hota hai? Xylem star-shaped structure में आपको दिखाई देगा, phloem उसकी side में patches में दिखाई देगा, छोटे छोटे patches में दिखाई देगा, और इस पूरे xylem और phloem को surround करता हुआ आपको pericycle दिखाई देगा, endodermis दिखाई देगा, leaf trace और cortex present है. यहाँ पे pith absent है क्योंकि ये हमारा protosteel है. So ये है actinosteel. इसका example Lycopodium serratum में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है. Actinosteel अगर आप कट करोगे तो आपको बहुत अच्छी स्लाइड देखने को मिलेगी इसकी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लेक्टोस्टील. प्लेक्टोस्टील में जाइलम एक पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा और फ्लोएम बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा. कंडीशन पूरे जितने भी प्रोटोस्टील्स के एग्जांपल हैं उसमें आपको कंडीशन सेम ही देखने को मिलेगी. जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम उसको सराउंड करता हुआ होगा, बाकी पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की कंडीशन सेम है इन सारी स्टील्स में. बस जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद करने हैं. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. हैप्लोस्टील में आपको कोर फॉर्म में जाइलम मिलेगा, एक्टिनोस्टील में आपको स्टार फॉर्म में जाइलम मिलेगा, प्लेक्टोस्टील में आपको प्लेट के फॉर्म में जाइलम मिलेगा. लाइकोपोडियम क्लेवेटम का सेक्शन कट करने के लिए प्रैक्टिकल्स में आता है और बहुत अच्छा सेक्शन इसका आता है स्लाइड में. प्लेक्टोस्टील बहुत अच्छे से देखने को मिलती है और क्लियरली जाइलम और फ्लोएम दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में. सो दिस वन इज़ द डायग्राम ऑफ द प्लेक्टोस्टील. ये प्लेक्टोस्टील का एक डायग्राम है जिसमें आपको जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, फ्लोएम आपको उसके चारों ओर दिखाई देगा, और उसके बाद वही पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस, कॉल्टेक्स और लीफ ट्रेस. ये कंडीशन सब में सेम मिलेगी आपको. सिर्फ याद रखने के लिए जाइलम को याद रखिए कि जाइलम किस शेप में प्रेजेंट है, और उससे आप स्टील को याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से. So when xylem is present in the form of parallel plates, phloem is surrounding the xylem, then that condition is called as the plectostele, and that condition you can see in Lycopodium clavatum. Actinostele is seen in Lycopodium serratum, plectostele in Lycopodium clavatum, and mixed protostele in Lycopodium sernum. So there are different species of Lycopodium in which you will be able to see these types of protosteels, different species, so different types of steels. So you have to remember all this. The last type of the protosteel is the mixed protosteel. In this case, xylem is present in small clusters or small groups and phloem is present all around. Example is Lycopodium sernum. So this is the example of a mixed protosteel in which xylem is present in the form of patches and phloem is present all around. Then it is surrounded by a pericycle, endodermis, cortex as it is. So let's revise the protosteel.
proto steel is basically a type of steel that is a non-medullated steel. Pith is absent in this case. Xylem is present in center in the form of a core surrounded by phloem. Okay. So, proto steels are basically classified into four different types, and these types are haplosteel, actinosteel, plectosteel and mixed protosteel. Haplosteel, in the case of haplosteel, we have a xylem present in the form of a central core surrounded by a phloem. Then we have a pericycle, endodermis and a cortex. Haplosteel is seen in Rhynia, Horneophyton, Selaginella and Lycopodium. Actinosteel condition includes a star shaped xylem. Phloem is present in the form of a patches, and this type of condition can be seen in Lycopodium serratum. Next is the plectosteel. Xylem is present in plate like form surrounded by phloem. This condition is seen in Lycopodium clevatum. Lycopodium serratum, Lycopodium clevatum. Don't be confused between these two. Then mixed protosteel. Xylem is present in the form of a small patches surrounded by phloem, seen in Lycopodium sernum. So these are the basic and important types of the protosteels. Haplosteel ke condition mein xylem center mein core ke form mein circular present hoga surrounded by phloem. Rhynia aur Horneophyton example. Actinosteel star shaped xylem, patches of phloem present around it. Plectosteel plate like xylem surrounded by phloem. Mixed protosteel small groups of xylem surrounded by phloem. Now, coming to our next point, which is the siphonosteel. In the case of siphonosteel, pith is present. It is called as the medullated steel due to the presence of pith. It is the most advanced form. These are regarded as more advanced in comparison to a protosteel. Protosteel is regarded as the primitive form of the steel, and siphonosteel is regarded as the advanced form of steel. So, siphonosteel can be classified into different types according to different categories. First one is according to the presence of leaf trace, presence or absence of leaf trace. Jeffrey in 1910 classified siphonosteel into two basic types as cladosiphonic steel in which leaf trace is absent, and phyllosiphonic steel in which leaf trace and branch trace is present. So the steel in which a leaf trace is absent is regarded as cladosiphonic steel, and a steel in which leaf trace and branch trace is present is regarded as phyllosiphonic steel. Agar aapko leaf trace aur leaf gap ke bare mein padhna hai to please dusra video देखिए. लीफ ट्रेस और लीफ गैप के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. क्लैडोसिफनिक स्टील वो स्टील है जिसमें लीफ ट्रेस एब्सेंट है, और फिल्लोसिफनिक स्टील वो स्टील है जिसमें लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस प्रेजेंट है. सो ये पहला क्लासिफिकेशन है सिफनोस्टील का ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेस. Next, we will discuss about the siphonosteel can also be classified into actofloic siphonosteel and amphifloic siphonosteel. Actofloic siphonosteel mein kya hota hai? There is एक चीज़ और. सिफनोस्टील में आपको पिथ सेंटर में मिलेगा, बाकी पूरा जो सिचुएशन है वो सेम ही है लगभग प्रोटोस्टील की ही तरह, बट चेंजेस क्या कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं. एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील के केस में सिंगल फ्लोयम रिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम. So in this case, actofloic siphonosteel pith is present in the center, then we have a xylem, then we have a phloem, then we have pericycle, endodermis and cortex. So actofloic siphonosteel is present in equisetum and osmunda. Next we have the amphifloic siphonosteel.
In this case, we will have two layers of endodermis, two layers of pericycle, and two layers of phloem. Just note it down that in the case of amphiphloic syphonostele, we will have two layers of endodermis, outer and inner layers of endodermis, outer and inner layers of pericycle, and outer and inner layers of phloem. Only a single xylem layer is present in the case of amphiphloic syphonostele. You have to note it down. It is present in Marsilia. You have done it in your practicals of BSc, Marsilia and Dryopteris. So what is the difference between these two? The difference between these two is that in the case of ectophloic, we will have only a single layer of phloem. But in the case of amphifloic syphonostele, we will have two layers of endodermis, pericycle and phloem that are present along both the sides of a single layered xylem. So in this case, we will have a single layer xylem. Now we will discuss about the ectophloic and amphifloic syphonostele. What is the difference between these two? So ectophloic syphonostele ke case mein aapko kya dekhne ko milega? Center mein pith present hogi, kyunki syphonostele ke case mein pith present hoti hai. Center mein pith present hogi. Then we have a layer of xylem, then we have a layer of phloem, then pericycle, endodermis and cortex. So ye puri condition agar aap dekho to same hai jaisa ki haplostele ke case mein thi. सिर्फ अंतर क्या है, पिथ प्रेजेंट है सेंटर में, इसीलिए ये सिफनोस्टील है, एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील. ओके, नेक्स्ट इज द एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील. इन द केस ऑफ एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील यू विल हैव अ सेंट्रल पिथ, देन वी विल कम टू अ सेंट्रल जाइलम. दिस वन इज द जाइलम, दिस ब्लैक वन. So we are having two layers of phloem here and there on the central xylem. This blue one is the phloem. We have outer phloem and we will have a inner phloem. And the central layer is the xylem. Here is the xylem. So xylem, then we will have phloem on the both sides of the xylem. Along with the phloem, we will have a pericycle on both the sides. We will have outer pericycle and inner pericycle, and then we will have endodermis of two layers, outer endodermis and inner endodermis, and in center we will have a pith. So this is the amphifloic syphonostele. Amphifloic syphonostele में क्या है, सिर्फ single layered xylem है, उसके दोनों तरफ phloem present है. कौन सा? Outer, बाहर की तरफ जो phloem है वो outer phloem है, जो अंदर की तरफ है वो inner phloem है. Outer phloem, inner phloem. Phloem के बाहर क्या होता है? Pericycle होता है, तो phloem के बाहर pericycle है. यहाँ पे phloem के बाद क्या होगा? Pericycle होगा. Outer pericycle, inner pericycle. उसके बाद pericycle के ऊपर क्या, कौन सा layer आता है? Endodermis. So outer endodermis, इनर इंडोडर्मिस. उसके बाद सेंटर में क्या आता है? पिथ. सो आप इस तरीके से लेयर्स को याद कर सकते हो, लेयर्स के सीक्वेंस को याद कर सकते हो. कहाँ से ट्रैक करिएगा? जाइलम से ट्रैक करिएगा. जाइलम, उसके दोनों तरफ फ्लोएम, आउटर और इनर, उसके दोनों ओर पेरीसाइकिल, आउटर और इनर, उसके दोनों ओर इंडोडर्मिस, आउटर और इनर, और सेंटर में पिथ. ठीक है, उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है मार्सिलिया का. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिफनोस्टील्स के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम क्लियरली डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिफनोस्टील. मॉडिफिकेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में कहीं पे लीव्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लीव्स बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, लीव गैप्स, लीव ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टील्स में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो आपको सिफनोस्टील के केस में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. सो वी कैन सी सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड अ पॉलीसाइक्लिक स्टील. सोलेनोस्टील क्या है? सोलेनोस्टील इज अ काइंड ऑफ स्टील दैट इंक्लूड्स नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स. सोलेनोस्टील इंक्लूड्स लीफ गैप्स बट दीज डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. ओवरलैप मीन्स एक के ऊपर एक लेयर का आना. सो दीज विल नॉट ओवरलैप ईच अदर. लीफ गैप्स बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ सोलेनोस्टील.
solanostil can also be classified into actofluoric solanostil and amphifluoric solanostil. These are the same as we have discussed before in the case of actofluoric siphonostil and amphifluoric siphonostil. But the difference is that we will have a leaf gap in the steel. बेसिक जो डिफरेंस है सोलेनोस्टील में, सोलेनोस्टील हमारी एक ऐसी स्टील है जिसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं. सोलेनोस्टील हमारी एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील भी हो सकती है और एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील भी हो सकती है. और अगर आप इनको देखो, इनका डिफरेंस मेन क्या होता है, सिर्फ इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है. और जो आपका एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील था, उसमें लीव गैप लीफ ट्रेस नहीं है, जबकि सोलेनोस्टील के केस में लीव गैप लीफ ट्रेस आपको स्टील के बीच में दिखाई देगा. ओके, सो दैट वॉज द डायग्राम दैट आई वॉन्ट टू शो यू, दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ सोलेनोस्टील. सोलेनोस्टील कैन ऑल्सो बी एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील. दीज आर सेम एज द एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील, बट द डिफरेंस इज दैट यू विल हैव अ लीफ ट्रेस एंड अ लीफ गैप विद इन द स्टील इन बोथ द केसेस. सो एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील हमारे एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील की तरह ही हैं, सेम, कोई भी चेंज नहीं है. बट मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील में लीव गैप और लीव ट्रेस प्रेजेंट होता है. इस कंडीशन में लीव गैप और लीव ट्रेस प्रेजेंट है, बाकी सारे लेयर्स का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें. जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, देन जाइलम प्रेजेंट है, उसके बाद फ्लोएम प्रेजेंट है, उसके बाद पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. ये आपका कौन सा स्टील है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, क्योंकि यहाँ पे लीफ ट्रेस और लीफ गैप है. नेक्स्ट है हमारा एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, जाइलम की लेयर प्रेजेंट है, दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर फ्लोएम. उसके बाद आपका वही पेरिसाइकिल और इंडोडर्मिस प्रेजेंट है, जैसा कि देख सकते हैं आप, कॉर्टेक्स है, उसके बाद वी हैव आउटर इंडोडर्मिस, देन वी हैव आउटर पेरिसाइकिल, देन वी हैव आउटर फ्लोएम, जाइलम, जाइलम के बाद कौन सा लेयर, फ्लोएम, इनर फ्लोएम, देन इनर पेरिसाइकिल, देन इनर इंडोडर्मिस एंड इन सेंटर वी हैव अ पिथ एंड लीव गैप और लीव ट्रेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो ये एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील का डायग्राम है. अगर आप एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सिफनोस्टील को उनसे कंपेयर करो सोलेनोस्टील से, तो लेयर सेम होंगे, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वहाँ उस केस में आपको लीव ट्रेस और लीव गैप दिख रहा था दोनों कंडीशन में, बट यहाँ पे लीव गैप और लीव ट्रेस प्रेजेंट नहीं होगा. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ सिफनोस्टील इज द डिक्टियोस्टील. इन दिस केस द स्टील हैव ओवरलैपिंग लीव गैप. जब किसी प्लांट के स्टेम में बहुत ज़्यादा लीव्स अटैच्ड होते हैं तो वहाँ पे लीव गैप और लीव ट्रेस ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इस वजह से वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करने लगते हैं. सो ये कंडीशन आपको डिक्टियोस्टील की कंडीशन है, जो कि आपको ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और ऑफियोग्लॉसम में देखने को मिलेगी. और डिक्टियोस्टील की एक खास बात और क्या होती है, इसमें स्कैटर्ड वस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेरी स्टील कहते हैं. सो इन द केस ऑफ डिक्टियोस्टील द स्टील इंक्लूड्स ओवरलैपिंग लीफ गैप्स. इट इज सीन इन ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड ऑफियोग्लॉसम एंड अ सिंगल वस्कुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द मेरी स्टील. However, in the case of solanostil, we have non-overlapping leaf gaps. But in dictyostil, we have overlapping leaf gaps. So this one is the diagram of a dictyostil, as it has overlapping leaf gaps and it the vascular cylinder or the steel gets broken into smaller vascular bundles and a single one is called as the meristeel. So it has more leaf gaps and leaf traces that are overlapping to each other.
Now we will discuss about the last modification of the syphonostele, that is the polycyclic stele. In this case, we have two or more concentric rings of vascular tissue. Example is pteridium aquilinum. So polycyclic stele एक ऐसी stele है जिसमें दो या दो से ज़्यादा concentric ring present होती है vascular tissues की. Example है pteridium aquilinum. So this one is the diagram of a polycyclic stele. In this case, we will have two or more concentric rings of vascular tissue. In this case, you can see this one is the outer layer of the vascular tissue which are broken up. This is called as the meristeles of outer ring. Then we have meristeles of the inner ring and thick ground tissue which is parenchymatous in nature. Polycyclic stele में आपको दो या दो से ज़्यादा ring देखने को मिलेगी vascular bundle की. इस case में आपको दो ring देखने को मिल रही है, एक बाहर की ring है meristeles की और एक अंदर की तरफ ring है meristeles की जिसमें दो ही vascular bundle present है और एक thick parenchymatous ground tissue इन दोनों layers को concentric layers को separate कर रहा है. Polycyclic stele इसके अलावा आपको और modifications इसके देखने को मिलेंगे जैसे कि polycyclic solanostele और polycyclic dictyostele का भी आपको देखने को मिलेगा. But main जो है वो इतने ही आपके steles हैं जो कि important हैं. Okay, so let's quickly revise what we have learned today. Firstly, we will have two different basic types of stele, that is the protostele and the syphonostele. The protostele can be of four types. It includes a haplostele. Haplostele mein kya hai? Xylem hamara center core ke form mein present hai. Actinostele mein xylem star shaped hai. Plectostele mein plate form mein xylem hai. Mixed protostele mein xylem group ke form mein present hai, surrounded by phloem. Pith is absent in all these cases, that's why this is a protostele. Next one is the syphonostele. Syphonostele can be classified by different types. Syphonostele can be ectophloic or amphifloic. In the case of ectophloic, we will have pith in center and all the rays are present as in the case of protosteles. Amphifloic syphonostele के केस में हमें एक सेंटर में xylem होगा, दोनों तरफ phloem, उसके बाद pericycle और endodermis के layers present होंगी, सेंटर में pith present होगा. इसका example है Marsilia का. उसके बाद अगर हम modifications की बात करें तो हमें solanostele देखने को मिलेगी जहाँ पे non-overlapping leaf gap होते हैं. solanostele भी हम आपको बता चुके हैं कि ectophloic solanostele और amphifloic solanostele होंगी और उसमें leaf gap और leaf trace present होगा. dictyostele में आपको leaf gap और leaf trace दिखेगा, overlapping leaf gap होंगे और meristeles दिखाई देंगी. किस में present होगा? Dryopteris, teres और ophioglossum में. polycyclic steles जो है two or more concentric rings of vascular tissues हैं and it is present in pteridium aquilinum. So this is all about the stellar system in pteridophytes. If you like the video, please subscribe my channel and video kaisa laga zarur batayega. Thank you.